वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दिवाली का त्यौहार आ रहा है। दिवाली का त्यौहार एक तरह के से प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। तो आज ऐसे ही एक जीत यूपी की एक बेटी को मिली है। जी हाँ, महिला अपराध जिसके खिलाफ हमारी सरकार, हमारा प्रशासन और हमारी पुलिस सभी सतर्क हैं और पूरी तरह से सख्त है। महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले, उनकी असमत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हमारा कानून भी सख्ताई से काम करता है। लेकिन फिर भी कुछ हैवान, कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो आज भी इतनी सख्ताई होने के बावजूद कभी 70 साल की बूढ़ी अम्मा तो कभी 7 साल की मासूम गुड़िया के साथ उनको हवस का शिकार बना लेते हैं। ये दरिंदे हवस की आग में ये भी भूल जाते हैं कि जिसके साथ वो इस तरह का घिनौना काम करने जा रहे हैं उनकी जगह उनका कोई अपना भी हो सकता है। लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि आज का जमाना बदल चुका है। आज एक दोषी को सजा मिलने में सालों का वक्त नहीं लगता बल्कि कुछ लम्हों का क्षण लगता है और दोषी को सजा भी मिल जाती है और वो भी सख्त सजा। एक ऐसे ही हैवान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और ये खबर है उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां पर पॉस्को कोर्ट की जज मुमताज अली ने एक 5 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। खास बात तो यह है कि अदालत में महज 4 महीने में ही इस मामले की सुनवाई की और दोषी को सजा सुनाई है। और अभी तक इस तरह के मामले, फिर चाहे आप दिल्ली कांड को ले लीजिए या फिर किसी और रेप कांड को, हर किसी मामले में किसी ना किसी दोषी को सजा मिलने में कई सालों का वक्त लग जाता था। लेकिन इस तरह से कुछ महीनों के अंदर इस तरह से सजा मिल जाना और पीड़िता को इंसाफ मिल जाना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ही देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि शामली जिले के कोरान में 4 महीने पहले रामपुर रेलवे स्टेशन पर 5 साल की मुखबादिर मासूम बच्ची के साथ साबिर नाम के एक दरिंदे ने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद न्यायाधीश मुमताज अली ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी कि पॉस्को एक्ट के तहत IPC की धारा 376 बलात्कार और पॉस्को के अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए साबिर पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसकी आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। इस मामले में पॉस्को के विशेष अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया है कि लड़की शामली के रहने वाली है। उन्होंने बताया कि 15 जून को 5 साल की मुखबादिर बच्ची रामपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ में खो गई थी और अपने माता पिता से जुदा हो गई थी। अकेला पाकर साबिर ने रामपुर रेलवे स्टेशन पर वहीं पर प्लेटफॉर्म पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसके बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय की दुकान लगाने वाले की शिकायत पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी कि GRP ने रेप की धारा के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की और उसे दबोच लिया गया। और फिर ठीक 4 महीने बाद उसी दरिंदे को कानून ने सजा भी सुना दी। इस तरह की तुरंत यह कार्रवाई तो योगी राज में होनी आम बात है। योगी जी ने चुनाव से पहले ही साफ लफ्जों में कहा था कि अब से उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा, ना कि जंगल राज। और आज से सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग रखी जाएगी, ना कि किसी गुंडे बदमाशों को यहां पर शह मिलेगी। इस खबर पर अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।